तो हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताऊं कैसे आप अपनी वीडियो को वाइट स्टूडियो में जाकर एनालाइज कर सकते हैं। बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से आपको बताने वाला हूं, इन डिटेल आपको बताने वाला हूं, जीरो से लेकर एडवांस तरीके से आपको सब चीज़ एकदम डिटेल में आपको डिलीवर करने वाला हूं। तो आप बने वीडियो के लास्ट तक, वीडियो स्किप कर करके ना देखे नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अभी हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो जय दोस्तों, हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पे आपको कंटेंट वाले ऑप्शन में करना है क्लिक। ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं किसी भी एक वीडियो को ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं इस वाली वीडियो ले लेता हूँ, तो मैं इस वीडियो यहाँ पे कर लेता हूँ क्लिक। तो इस वाली मैंने वीडियो पे कर लिया क्लिक। मैं वीडियो परफॉर्मेंस पे करता हूँ क्लिक। यहाँ पे आप देखते हैं ओवरव्यू। अब ओवरव्यू में आपको कौन कौन से ऑप्शन मिल जाते हैं और इनका मतलब क्या होता है वो चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ। मैं व्यू पे मैं करता हूँ क्लिक, व्यूज पे करता हूँ क्लिक। तो यहाँ पे मैं व्यू को ग्राफ दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ऊपर गया फिर नीचे आता गया, ऐसे मतलब नॉर्मल हो गया है ना। तो यहाँ पे मैं व्यू को ग्राफ दिखाता है। यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट 24 आवर्स है, आप क्लिक करें तो यहाँ पे 24 घंटे का आपको ग्राफ दिखा देगा। यहाँ पे आपको 7 दिन का ग्राफ दिखा देगा, ये 28 दिन का, 90 दिन का, यहाँ पे आपको 365 दिन का दिखा देगा, यहाँ पे आपको 365 दिन का दिखा देगा, और अक्टूबर नवंबर सितंबर ऐसे आपको ऐसे दिखा देगा, और 2023 का दिखा देगा कैसा ग्राफ रहा है। आप यहाँ पे जैसे एकदम से उछाल आइए फिर एकदम डाउन चला गया। यहाँ पर लाइफ टाइम पे क्लिक करो तो आपको लाइफ टाइम का भी ग्राफ दिखा देगा। ये इसका ऑप्शन तो मैं आपको बता दिया है ना। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है, हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं, हम दे देते हैं ऑडियंस रिटेंशन। अब ऑडियंस रिटेंशन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप ऑडियंस रिटेंशन दे सकते हैं। यहाँ पे मेरे 20% आया, मतलब बहुत ही कम ऑडियंस रिटेंशन आया 20%, मतलब बहुत ही कम ऑडियंस रिटेंशन होता है। आपका कम से कम ऑडियंस रिटेंशन आना चाहिए सही 30 से लेके 60 के बीच में आना चाहिए, तो आपकी वीडियो वायरल होने ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये वाली वीडियो मेरी वायरल किस वजह से होगी वो भी मैं आपको बताऊँ, कैसे 950 व्यू आए वो भी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर मैं ऑडियंस रिटेंशन पर करता हूँ क्लिक। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं इंट्रो। इंट्रो हमारा होता खाली 30 सेकंड का। 30 सेकंड के अंदर हमें अपनी वीडियो में कुछ ऐसा बोलना होता है जिससे ऑडियंस रुकी रहे, मतलब एकदम से हुक हो जाए। कुछ ना कुछ आपको करते रहना, ऐसे वीडियो एडिटिंग करते रहे, कुछ भी मतलब ऐसा बोलना है कि ऑडियंस लास्ट तक रुकी रहे। ऐसे अपनी वीडियो बनाकर तैयार करनी है आप। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एवरेज व्यू ड्यूरेशन हमारा खाली 2.5 मिनट तक का है ना, तो ये तो अच्छा खासा है, मतलब सही है, मतलब कि वीडियो के हिसाब किताब से अच्छा है ना। और हमें ऑडियंस रिटेंशन 20% है, तो ये बहुत ही खराब है ऑडियंस रिटेंशन। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है जैसे इंट्रो हो गया, टॉप मूवमेंट हो गया। टॉप मूवमेंट वो होता है जैसे कि कोई अच्छा पॉइंट होता है ना वीडियो, तो उसको कहते हैं टॉप मूवमेंट है ना। मैं इस पर करता हूँ क्लिक। तो यहाँ से आप जैसे सब्सक्राइब का मतलब होता है जैसे वीडियो कोई ऐसा करके दिख रहा है तो एकदम तो उछल आ गई फिर नीचे हो गया। यहाँ पे जो गिरता हुआ था ना उछलता है, तो ये वाला पॉइंट होता है सब्सक्राइब का पॉइंट होता है हमारा ये वाला है, और डीप वाला पॉइंट होता है जिसमें ऑडियंस बड़े ध्यान से वीडियो देख रही है, वो वाला हमारा डीप पॉइंट होता है ना। अब हम यहाँ से करते हैं बैक। अब बैक करने में यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ, और यहाँ पर हमको दिख रहा है रियल टाइम। यहाँ मैं रियल टाइम पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको रियल टाइम पे ये चीज़ दिख जाएगी, जैसे कि 48 घंटे में हमारे वीडियो पे कितने व्यू आए हैं। यहाँ पे जैसे 48 घंटे के अंदर मेरे वीडियो पे 4 व्यू आए हैं, और कहाँ से आए हैं। यहाँ पर जैसे 2 व्यू मेरे एंड स्क्रीन से आए हैं, और चैनल पेज से मेरा 1 व्यू आया है, और यूट्यूब सर्च से मेरा 1 व्यू आया है। 1 घंटे के अंदर मेरी वीडियो पे कितने व्यू आए तो यहाँ पे आप कर देंगे 60 मिनट आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दे रहे हैं नो डाटा, मतलब कि कोई व्यू भी नहीं आया मेरे वीडियो पर 60 मिनट के अंदर है ना। यहाँ से मैं करता हूँ बैक। अब बैक करने के बाद आपको नीचे और स्क्रॉल करना, तो यहाँ पे और कोई ऑप्शन तो है नहीं है। तो यहाँ पे मैंने व्यूज का ऑप्शन तो आपको समझा दिया है कि ऐसे करता हूँ तो आप देख सकते हैं वॉच टाइम। यहाँ वॉच टाइम मैंने क्लिक करा तो यहाँ से हमको पता पड़ जाता है कि इस वीडियो का वॉच टाइम वो कितना मिला है। तो इस वाली वीडियो से मुझे वॉच टाइम मिला है 40.7 का, मतलब कि वॉच टाइम मुझे मिल गया। अगर यहाँ पे 24 घंटे पे क्लिक करता हूँ तो 24 घंटे में 9.2 का वॉच टाइम मिला है, और 7 दिन के अंदर इतना वॉच टाइम मिला है मुझे, और 28 दिन के अंदर इतना मिला वॉच टाइम मुझे। तो ऐसे आप यहाँ पे क्लिक कर करके चेक कर सकते हैं। और लाइफ टाइम में मैंने करा क्लिक तो लाइफ टाइम में मुझे मिला है 40.7 वॉच टाइम यहाँ पे मिल गया है ना। तो यहाँ से हम कर लेते हैं बैक। अब बैक करने वाले यहाँ पे थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आप देते हैं सब्सक्राइबर। तो ऐसे सब्सक्राइबर ही आप देख सकते हैं मेरे को इस वीडियो से मुझे 15 सब्सक्राइबर गेन हुए हैं है ना। 24 आवर पर क्लिक करता हूँ तो ये 1 सब्सक्राइबर बता रहा है, तो इसमें 1 सब्सक्राइबर अभी भी मिला है। या 7 दिन का भी आप चेक कर सकते हो, 7 दिन का, और 28 दिन, 90 दिन, 365 दिन, लाइफ टाइम वगैरह करके आप चेक कर सकते हैं वो कितने सब्सक्राइबर वगैरह मिले हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो जय दोस्तों, हम यहाँ पे आ गए रिच वाले ऑप्शन में, मैंने कर लिया क्लिक। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन मिल जाता है इम्प्रेशन का। यहाँ पे इम्प्रेशन में मैं करता हूँ क्लिक। इम्प्रेशन का मतलब होता है कि हमारे यूट्यूब ने हमारी वीडियो कितने लोगों तक पहुँचाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी वीडियो को
26,250 लोगों तक पहुंचाया यूट्यूब ने, तब मेरी वीडियो पे 950 व्यू आ पाए हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं 7 डे पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे 7 दिन का 115 लोगों तक यूट्यूब ने मेरी वीडियो को पहुंचाया है ना। लाइफ टाइम पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे 26,203 तक लोगों तक मेरे वीडियो यहाँ पे यूट्यूब ने पहुंचाया है। जब तक आपकी वीडियो पे इम्प्रेशन नहीं आएंगे तब तक आपकी वीडियो पे कोई भी बंदा क्लिक करने वाला नहीं है। आपका थंबनेल बिल्कुल अट्रैक्टिव होना चाहिए, मतलब उस पर कम टेक्स्ट होने चाहिए, सिंपल बैकग्राउंड होना चाहिए, और आपके फेस अगर फेस लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं आप, मतलब कम से कम टेक्स्ट होना चाहिए, और टेक्स्ट भी ऐसा लिखा होना चाहिए कि जिससे ऑडियंस तुरंत क्लिक कर दे। तो यहाँ पे इम्प्रेशन वाला ऑप्शन तो हमारा हो चुका है कम्प्लीट। अब यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक थ्रू रेट, तो मैं इस पर करता हूँ क्लिक। अब क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, जो हमारा जो थंबनेल होता है ना उसका होता है क्लिक थ्रू रेट। जैसे कि 100 लोग हैं, 100 लोगों ने खाली 2 लोगों ने मेरी वीडियो पे क्लिक करा तब 2 व्यू आ पाए, मतलब कि मेरा थंबनेल ज़्यादा बढ़िया नहीं है, उसमें मुझे सुधारना पड़ेगा तब उस पर क्लिक आ पाएंगे। यहाँ पे भी आप 24 घंटे कर सकते हैं, 7 दिन, 28 दिन, 90 दिन, 365 दिन कर सकते हैं। मैं कर लेता हूँ 365 दिन पे क्लिक करा, अपने क्लिक थ्रू रेट का ग्राफ देख सकता वो कब बढ़ा है कब कम हुआ। यहाँ पे मैं आपको चेक कराता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 7% था कुछ दिन पहले मेरे हैं, जब मैंने 90 दिन पे क्लिक कर लिया यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ग्राफ मेरा बिल्कुल ऊपर गया। यहाँ पे देख सकते हैं 11% तक चला गया, तो 11% का मतलब होता है कि 100 बंदों ने मेरी वीडियो देखी उसमें से 11 बंदे क्लिक कर रहे हैं तब मेरे व्यू आ पाए हैं। क्लिक थ्रू रेट का कभी ऊपर हो जाता कभी नीचे हो जाता, तो ये तो चलता रहता है। जब आपका डाउन जाए ना तो आपको जैसे कि 2 दिन चेक करना है, अगर तब भी डाउन जा रहा है तो आपको थंबनेल चेंज करने की जरूरत है। क्लिक थ्रू रेट का हमारा ये भी हो चुका है, तो इसको हम बैक कर लेते हैं। बैक करने वाला इसको मैं थोड़ा आगे कर लेता हूँ, फिर आपको यहाँ पे दोबारा से व्यूज का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर हम करते हैं क्लिक। अब क्लिक करने वही मैंने आपको पहले बता दिया, वही व्यूज का मतलब वही सेम सेटिंग सब चीज़ है, और यहाँ पे हम आगे कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिक व्यूअर, इसमें मैं करता हूँ क्लिक, इसमें भी आप ग्राफ देख सकते हैं, इसमें मैं करता हूँ क्लिक, एकदम से उछल आया मेरे ग्राफ में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 अगस्त 2023 को मेरे 211 व्यू आए, मतलब एक दिन के अंदर ये 211 व्यू आए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ऐसे भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आप यहाँ पे DY भी चेक कर सकते हैं, और लाइफ तो लाइफ टाइम भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे मैं करता हूँ बैक, अब बैक करने बाद हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हाउ व्यूअर्स फाइंड दिस वीडियो, यहाँ पे मैं करता हूँ क्लिक, मतलब कि व्यूअर्स वीडियो को कहाँ से देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सजेस्टिंग वीडियो, मतलब कि यूट्यूब मेरी वीडियो सजेस्ट कर रहा है तो वहाँ से मेरे लोग वीडियो देख पा रहे हैं। आप देख सकते हैं ब्राउजर फीचर, तो ब्राउजर फीचर का मतलब होता है जैसे कि हमारा यूट्यूब का होम पेज होता है ना, तो हम स्क्रॉल करते हैं ना तो वो हमारा ब्राउजर फीचर होता है। किसी भी वीडियो के नीचे मेरी वीडियो सजेस्ट होना वो भी ब्राउजर फीचर होता है, वहाँ से मेरी वीडियो देखी जा सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं एक्सटर्नल होता है, चैनल पेज हो गया, यूट्यूब सर्च से भी मेरी वीडियो देखी जा रही है, और यूट्यूब अदर फीचर से भी वीडियो देखी जा रही है, एंड स्क्रीन से भी देखी जा रही है, हैशटैग से भी देखी जा रही है, वीडियो कार्ड से भी मेरी वीडियो देखी जा रही है, नोटिफिकेशन से भी वीडियो देखी जाती हैं, और प्लेलिस्ट से भी मेरी वीडियो देखी जा रही हैं। तो यहाँ पर आप 60 मिनट में क्लिक करके चेक कर सकते हैं, 48 घंटे में चेक कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर आप लाइफ टाइम पर क्लिक करें लाइफ टाइम भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप किसी भी ऐसे अगस्त सितंबर और जो आपको चेक करना तो आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं चलता हूँ बैक, अब यहाँ से बैक करने बाद हम यहाँ से थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं एक्सटर्नल साइट्स और एप्स, मैं इस पर करता हूँ क्लिक। तो इससे हमको ये पता पड़ता है कि हमारी वीडियो शेयर कहाँ कहाँ पर करी गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर टेलीग्राम पर ज़्यादा शेयर करी गई है, टेलीग्राम मैसेंजर पे ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर करी गई, मतलब मैंने करी है यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेलीग्राम पर शेयर, वहाँ पर मेरे फ्रेंड सर्कल ज़्यादा है तो मैंने वहाँ पे शेयर करी है, और फिर मैंने व्हाट्सअप पे शेयर करी है। जो मैं शेयर करूँगा ना तो उसका भी यहाँ पे वो दिखाया कौन कौन से ऐप्स पर मैंने शेयर करी, और मेरी ऑडियंस किस किस ऐप पर शेयर कर रही वीडियो वो भी मुझे यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पर आप जैसे व्हाट्सअप बिजनेस पे भी शेयर करिए, यहाँ पर भी आप 60 मिनट करके, 48 घंटे करके, और 7 दिन और 90 दिन लाइफ टाइम पर क्लिक करके वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ बैक, फिर मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करता हूँ, फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं यूट्यूब सर्च टर्म, यहाँ पे मैं यूट्यूब सर्च टर्म पे करता हूँ क्लिक। अब क्लिक करने में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूट्यूब सर्च टर्म होता क्या है। तो यूट्यूब सर्च टर्म का मतलब होता है कि आपकी वीडियो कौन कौन से टाइटल पर सर्च में आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले मेरे ये आ रहा है फेसबुक से पैसे कैसे कमाए, तो ये मेरे 6 नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 13.6% पर आ रहा है ना। तो इस कीवर्ड में मेरी वीडियो सर्चिंग में आ रही है, और यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड हैं जैसे फेसबुक कॉपी पेस्ट वर्क, और फेसबुक से व्यूज कैसे बढ़ाएं, मतलब कि बहुत सारे कीवर्ड हैं, तो इन कीवर्ड से मेरी वीडियो सर्चिंग में जा रही है, तो इस वजह से व्यू ज़्यादा आ रहे हैं मेरी वीडियो पर, है ना। तो आप यहाँ पे 24 घंटे अगस्त सितंबर 7 दिन 8 दिन 9 दिन वो आप चेक करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो दोबारा रिपीट फिर आपका समय ज़्यादा मैं बर्बाद नहीं करूँगा,
जैसे हम कर लेते हैं बैक और यहाँ पर देखते हैं कॉन्टेंट सजेस्टिंग दिस वीडियो, तो मैं इस पर करता हूँ क्लिक कॉन्टेंट सजेस्टिंग दिस वीडियो, है ना। तो इसका मतलब होता है कि हमारे जो और यूट्यूबरों की वीडियो है ना, तो उनके नीचे हमारी वीडियो आ रही है, मतलब सजेस्टिंग में आ रही है, तो यूट्यूब सजेस्ट कर रहा है हमारी वीडियो को और वीडियो के नीचे हमारी वीडियो यूट्यूब सजेस्ट कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, तो इन वीडियो के नीचे मेरी वीडियो सजेस्टिंग में आ रही है, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी वीडियो है, तो इन वीडियो के नीचे मेरी वीडियो सजेस्टिंग आ रही है। मैं जो स्क्रॉल करते आ रहा हूँ, अब जैसे यहाँ पे बहुत सारी वीडियोज़ के नीचे मेरी वीडियो सजेस्टिंग आ रही है, इस वजह से मेरी वीडियो पे क्लिक्स भी आ रहे हैं और व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आ रही है। और यहाँ पे भी आप 60 मिनट पे क्लिक कर सकते हैं, वो चेक कर सकते हैं, 48 घंटे पे चेक कर सकते हैं, और लाइफ टाइम पे, और 7-8 दिन या 90 दिन आप क्लिक करें चेक कर सकते हैं, तो ऐसे भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये रिच वाला ऑप्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे करते हैं एंगेजमेंट पे करते हैं क्लिक, तो यहाँ पे हमारा फिर दोबारा सॉप आ गया वॉच टाइम का, वॉच टाइम में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से आप अपने वीडियो वॉच टाइम चेक कर सकते हैं, वही पहले वाला ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे आप यहाँ 24 घंटे में कितना वॉच टाइम मिला है, 7 दिन के अंदर कितना मिला है, 28 दिन के अंदर कितना मिला है, और 90 दिन के अंदर कितना वॉच टाइम मिला है हमको यहाँ पर, तो वो चीज़ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और लाइफ टाइम में आपको कितना वॉच टाइम यहाँ पे मिला है वो चीज़ भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे मैं अभी कर लेता हूँ बैक, और बैक करने वाले यहाँ पे वही चीज़ हमारा ऑडियंस रिटेंशन, वो चीज़ मैंने आपको समझा दी है। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक बीएस डिसलाइक, तो आपकी वीडियो को लोग कितना लाइक कर रहे हैं कितना डिसलाइक कर रहे हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 100% मतलब फेसबुक पे कैसे पेस्ट कॉपी करके कमाएं उस पर लाइक आ रहा है उस पर एवरेज व्यू चैनल पे, ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आगे स्क्रॉल करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज व्यू ड्यूरेशन, इस पर मैं करता हूँ क्लिक। एवरेज व्यू ड्यूरेशन होता क्या है वो मैं आपको बताऊँ, तो एवरेज व्यू ड्यूरेशन वो होता है जैसे कि हमारी वीडियो, जैसे हमारी 10 मिनट की वीडियो है, तो 10 मिनट की वीडियो को लोग कितनी देर तक देख रहे हैं वो चीज़ आपको पता पड़ता है इसमें एवरेज व्यू ड्यूरेशन में। जैसे मैं ये वाली वीडियो मेरी 11 मिनट की वीडियो है, तो इसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन कितना आ रहा है, 2.5 मिनट का आ रहा था कि 2.5 मिनट तक लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो मतलब कि ये तो ठीक ठाक है ना। और अगर आपकी वीडियो को 1 मिनट तक 1.5 मिनट तक देख रहा है तो वो चीज़ बेकार है, मतलब आपकी जैसे कि आपकी वीडियो 15-20 मिनट की वीडियो है आपकी, है ना, तो आपके ऑडियंस रिटेंशन 5 मिनट से ऊपर ही आना चाहिए, कम आएगा तो ठीक नहीं है। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं 24 घंटे में कितना मिला है, तो यहाँ पर आप डे वाइज भी चेक कर सकते हैं और मंथली भी चेक कर सकते हैं और लाइफ टाइम भी चेक कर सकते हैं। मैं हटा लेता हूँ इसको, अब हटाने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा आगे स्क्रॉल कर लेता हूँ। अब हम चलते हैं ऑडियंस वाले ऑप्शन पर, यहाँ पे आप दे रहे हैं रिटर्निंग व्यूवर्स, इस पर मैं करता हूँ क्लिक। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दो लाइनिंग दिख रही होंगी, एक ब्लू कलर की दिख रही होगी, एक बैगनी कलर की आपको दिख रही होगी। जो हमारी ब्लू कलर की लाइनिंग है वो हमारे न्यू व्यूवर है, और जो हमारे जो बैगनी कलर की लाइनिंग दिख रही है ना वो हमारे रिटर्निंग व्यूवर है, मतलब रिटर्निंग व्यू वाले होते हैं, जैसे कि हमारी वीडियो किसी ने एक बार देख लिया, वो बार बार हमारी वीडियो देख रहा है, तो वो हमारा रिटर्निंग व्यूवर कहलाता है। अगर आपकी वीडियो रिटर्निंग व्यूवर कितने आ रहे हैं और न्यू व्यूवर कितने आ रहे हैं वो चीज़ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ आप 24 घंटे करके चेक कर सकते हैं, 7 घंटे, 365 दिन, लाइफ टाइम, वो चीज़ आप चेक यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 28 दिन पे यहाँ पे क्लिक कर लिया, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने न्यू व्यूवर पे करा है क्लिक, यहाँ पे मेरा ग्राफ ऊपर जा रहा था, यहाँ पे मैंने कर लिया क्लिक। अब क्लिक करने वाले यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे न्यू व्यूवर तो 2 आए हैं और रिटर्निंग भी 1 भी नहीं आया, मतलब कि है ना। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जैसे कि आपके रिटर्निंग व्यूवर अगर आपके आ नहीं रहे हैं तो आपको अपने कॉन्टेंट को सुधारने की ज़रूरत है, कि रिटर्निंग व्यूवर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी वीडियो पे न्यू व्यूवर भी आने चाहिए और रिटर्निंग व्यूवर भी आते रहने चाहिए, तो जिससे हमारा मतलब कि इससे हमको ये पता पड़ता है कि हमारा कंटेंट अच्छा है। तो यहाँ पर आप 28 दिन पर 90 दिन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि रिटर्निंग व्यूवर कितने आए हैं और नए व्यूवर कितने आए हैं, वो चीज़ आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ बैक, आप यहाँ पर देख सकते हैं यूनिक व्यूवर, इस पर मैं कर लेता हूँ क्लिक। यहाँ से आप 24 घंटे, 7 दिन, 28 दिन, 90 दिन वो आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। थोड़ा आगे कर लेता हूँ मैं, आगे करने वाले यहाँ पे देते हैं सब्सक्राइबर, यहाँ पे आपको सब्सक्राइबर का दोबारा से ऑप्शन दे दिया, सब्सक्राइबर का मैंने आपको बता दिया, यूनिक व्यूवर का भी बता दिया है मैंने, है ना। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, अब नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखते हैं एज, मतलब कि कौन कौन सी एज के लोगों ने हमारी ये वाली वीडियो वॉच करी है। 18 से लेकर 24 साल के लोगों ने हमारी वीडियो 56.1% देखी है, मतलब ज़्यादा लोगों ने देखी है ना, और 25 से लेकर 34 साल के लोग हैं ना जो उनने हमारी वीडियो कम देखी है। तो ऐसे आप अपने यहाँ पे देख सकते हैं कि 24 घंटे कितना आए, 7 घंटे में कितना आए, 90 दिन में कितने लोग आए और लाइफ टाइम में कितने लोग की एज हमको देख रहे हैं, है ना।
तो वो चीज़ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है जेंडर का, तो मतलब कि जेंडर का ऑप्शन मतलब कि आपकी वीडियो को मेल देख रहे हैं फीमेल देख रहे हैं, वो चीज़ आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे सबसे ज़्यादा वीडियो देख रहे हैं मेल। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा, यहाँ से आप दे सकते हैं कि मेरे ऑडियंस को 18 से लेकर 34 साल के लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप वीडियो अपलोड करने का सही समय आपको यहाँ से पता पड़ जाता है, जैसे 18 से लेकर 24 के तो कॉलेज जाते हैं ना, और जो 25 से लेकर 34 साल की उम्र के लोग हैं ना, तो वो जॉब पर जाता है। आपको यहाँ पे अपना दिमाग का यूज़ करना है, कॉलेज जाते हैं ना तो उनकी छुट्टी कब होती है उस टाइम के बाद आपको वीडियो अपनी अपलोड कर दें, जैसे कि 12 या 2 के बीच में आपको अपनी वीडियो अपलोड करने की ज़रूरत है ना, या तो आप शाम को भी कर सकते हैं जैसे कोचिंग वाला से फ्री होकर, वो तब भी आप अपनी वीडियो पब्लिश कर सकते हैं, जैसे कि 6 से लेकर 8 के पीरियड में आप अपनी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। जो जॉब पर जाते हैं ना तो उनको भी लंच का ब्रेक मिलता है, जैसे 1 घंटे का मिलता है, जैसे कि 12 से लेकर 2 के बीच में किसी का लंच 1 बजे होता है, किसी का 12 बजे होता है, किसी का 2 बजे होता है, तो आप उस पीरियड में आप अपनी वीडियो पब्लिश कर सकते हैं, या तो आप शाम के 6 बजे 7 बजे 8 बजे अपनी वीडियो पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ से आप इस वाला ग्राफ को आप देखकर समझ सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है टॉप जियोग्राफिक्स, इसमें मैं करता हूँ क्लिक। अब क्लिक करने में यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी वीडियो सबसे ज़्यादा इंडिया में देखी आ रही है ना, जैसे आपको जी चीज पता पड़ जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप सबटाइटल डबल सी लैंग्वेज, मतलब कि सबटाइटल्स आपकी वीडियो में होते, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो यहाँ पे अगर आपको कुछ लिखा रहा तो वो होता है हमारे सबटाइटल्स। अब यहाँ पे देख सकते हैं वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर्स, मतलब कि आपकी वीडियो को लोग जो देख रहे हैं ना वो सब्सक्राइब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी वीडियो को लोग बहुत ही कम सब्सक्राइब कर रहे हैं और सब्सक्राइब करने वाले की संख्या बहुत ही कम है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो हो चुकी है कम्प्लीट। अगर मेरे से कोई चीज़ यहाँ पे छूट गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको जी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर कर लें प्रेस। आगे आप किस टॉपिक की वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके सामने 2 वीडियो दे रही हूँ, थंबनेल कैसे बनाएं और अपने व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, तो आप इन वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।